आज है 8 जुलाई और आज जुंगजुंगन रिसोर्ट से निकल के काफ़ी जगह घूम के बारिश बारिश देख के रात में रात 7 बजे के करीब हम आ गए यहाँ पे। ये टुंगे इन में ये एक फैमिली रिसोर्ट है लेकिन अंदर का माहौल काफ़ी एक्जोटिक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जैसा है। मंदिर, फूल, पानी गिर रहा है, छोटे छोटे वाटरफॉल्स, मज़ेदार है। चलिए देखते हैं। यह है टुंगे इन फैमिली रिसोर्ट। 61 दिरहम्स की प्राइस है। आज का बुकिंग 59 में भी मिल रहा था। यहाँ पुराने जहाँ पे थे वो था 127, तो उसके हिसाब से आधा ठीक है। सिक्सटी दिरहम्स मतलब लगभग 1300 इंडियन रुपीज था। एनीवे सामान रख के हम बाहर मेन रोड में आ गए। कुछ खाने का इंतजाम करना पड़ेगा, दिन भर चलने के बाद बहुत भूख लगी है। लोकल कुछ खाए। ये यहाँ का पब्लिक बस है बाली का, कोटा से इधर आ रहा है, एयरपोर्ट भी जाती है। मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा। मैं ठीक से रिसर्च नहीं कर पाया, नहीं तो ये बस में ही घूमते थे। आइसक्रीम की दुकान थी, कॉफी, शेक, आइसक्रीम, कैंडी, वाफल। एम मार्ट से सब्जी खरीदो, मनी चेंजर यहाँ पे बहुत है। डिनर के लिए सामने एक दुकान मिला जो देख के लग रहा है कि इस्लामिक क्विजिन यहाँ पे ज़्यादा मिलती है। बाली मेनली हिंदू आइलैंड है, आपको पता है, एक माइनॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन रहते हैं, उनके खाना ऐसा होता है। ये आपको शायद दूसरे व्लॉग में नहीं मिलेगी। विशेषत्व नहीं, शुद्ध भाई। देखिए मेरा प्लेट, एक मछली और एक चिकन फ्राई, दोनों का अलग अलग करी मैंने ले लिया था। ये बेसिकली फ्राइड चिकन जैसा होता है घर में बनाने से वैसे रहे, मछली भी वैसे। और इसके पास है बीफ, सब कुछ फ्राइड है। पहले आप राइस ले लो, फिर आप डिसाइड कर लो कि कौन सा लेंगे, चिकन लेंगे, बीफ लेंगे, मछली लेंगे, तो कौन सा लेंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा सब्जी या सांभर पेस्ट या करी जो भी है, 5-6 किस्म की है, एक ले लो, फिर एक बर्तन में डाल के इधर आके खाते लो। थोड़ा सा कैंटीन टाइप का माहौल है। या सब्जी भी है, खाया नहीं है हमने। और ये चिकन है, ये सब डिस्प्ले में रखा हुआ है, बाहर से भी दिखता है। ये सब करी है इसका। और कुछ फास्ट फूड है। ये है ये खाने का नाम, सुम्बार हिदुप। फॉरेन विजिटर्स एंड डोमेस्टिक गेट्स, इफ यू आर सेटिस्फाइड टेल योर फ्रेंड्स, इफ यू आर नॉट लेटर। अच्छा, वाह, हेडलाइन तो अच्छा था। सब अपना अपना ले लो। खाने के बाद हम वापस आना स्टार्ट कर दिए क्योंकि एक्चुअली बहुत थका हुआ था, दिन भर सुबह से चल रहे थे। ये एक होमस्टे टाइप का जगह है जहाँ पे बगीचे वगैरह दिखने में तो काफ़ी सुंदर है लेकिन अमेनिटीज में बहुत कम है, एक्चुअली रेट भी बहुत कम है। मेरा पुराना जगह जहाँ पे मैं अभी थे जुंजुंगन, वहाँ पे मैं कंप्लेन कर रहा था कि कम चीज़ें हैं। वहाँ का रेट 127 दिरहम्स था, यहाँ पे 61 दिरहम्स है, तो यहाँ पे और भी कम है। इसके अंदर साबुन वगैरह कुछ नहीं है, पानी कुछ नहीं है। पानी आपको ख़रीदना पड़ेगा 1.5 लीटर का 8000 में, जो आज मैं दूसरे कोई जगह एक टूरिस्ट प्लेस में माउंट बटूर के सामने 5000 में लिया था 1.5 लीटर, तो वो थोड़ा ज़्यादा है। ब्रश कुछ भी नहीं है, एसी नहीं है, प्लग पॉइंट एक ही है और बुलाने का कुछ सिस्टम नहीं है, फ्रिज नहीं है अंदर में। पानी और कुछ चीज़ें हम रखने गए तो उनके फ्रिज में रख के आए। चाय वगैरह भी रूम के अंदर नहीं है, उनके रिसेप्शन में जाके बना के खुद ले सकते हैं। चीप है लेकिन प्रॉब्लम्स ये सब है, मैं उतना सजेस्ट नहीं करूँगा। कपड़े रखने की अलमीरा बोल कवर टाइप का है, हैंगर वगैरह कुछ नहीं है, लॉकर तो दूर की बात। थोड़ा सा ये चॉइस ठीक नहीं हुआ। एनीवे रात तो गुजर गई। एक ज़मींदारों की तरह जैसे बंगाल में खास करके रहते हैं वैसा बेड वगैरह था। सुबह उठ के हम बाहर का नज़ारा देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि पूरा गार्डन के बीच है ये। और ये देखिए एक छोटा सा पॉन्ड बना के रखा है, इसमें ब्यूटीफुल कलरफुल एक्वेरियम की तरह
फिशेस हैं, लगता है कि एक लाइफ म्यूजियम के अंदर आ गए, जहां के हम भी पार्टिसिपेंट्स हैं और भी बाकी सब चीजें भी अलाइव है, पार्क टाइप का। यही पिक्चर हम इंटरनेट में देख के इसको बुक किए थे और ये सचमुच काफी अच्छा है। इस फैमिली के जो यंग पर्सन है, सबसे छोटा भाई है, वो इसको अपने तरीके से डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। बट इसका जो लेन है ना, ये टूरिस्ट लेन, ये थोड़ा सा बहुत लोनली टाइप का है। अगर आपको शांति बहुत पसंद है, अच्छा लगेगा। ब्यूटीफुल आर्ट, ब्यूटीफुल आर्ट। बाहर रास्ते में आके ये है मेन रोड, पूरा उबूद के बीच से जाती है। इसी के साइड में आपको उबूद पैलेस भी मिलेगी। देखिए दोनों साइड में आर्ट मार्केट की तरह रखा हुआ है, लेकिन प्राइस काफी हाई है। मुझे तो बहुत ज्यादा लगा प्राइस। टूरिस्ट के लिए ही फोकस्ड है। घर के सामने ये लोग हर सुबह एक छोटा सा फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं, वो मुझे काफी अच्छा लगता है। एक प्योरिटी, सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी मॉर्निंग में आ जाता है। एनीवे, और भी आर्ट्स के दुकानें थे, मेनली टूरिस्ट सुवेनिर टाइप के। देखते देखते हम आगे बढ़ने लगे। ये गली में जो जो दुकानें हैं, होम स्टे और कॉफी शॉप, सब की लिस्ट यहाँ पे है। ये बेहतरीन आइडिया है। देखिए आर्ट, भूत राक्षस की समारोह, छोटे छोटे, बहुत ही अच्छा। ये उबूद की गली गली में आपको अलग अलग किस्म की आर्ट मिलेगी। आर्ट की ये हेवन लगता है मुझे। और ये सब लोकली बनाया हुआ ऐसा लगता है, ऐसा नहीं कि चाइना से बन के आए। ये इसका एक स्पेशलिटी आप कह सकते हैं। ये सामने देख रहे हैं, ये पैलेस के ऑपोजिट में है। अलग अलग तरीके की क्विजिन, खाने पीने की सामान, फ्रेश फ्रूट्स, सब यहाँ पे मिलती है। और प्राइस डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा लगेगा। हमारा तलाश था कि थोड़ा सा खाली जगह मिले और रिजनेबल बजट में कुछ खा सके। ऐसे रोज हम नासी गोरेंग खा के हम थक गए थे एक्चुअली। नासी गोरेंग इंडोनेशिया का नंबर वन डिश है, मेनली ये है फ्राइड राइस है। सामने यहाँ से सब लोग बस पे चढ़ते हैं। बस कितना मॉडर्न है, लेकिन बस स्टॉप का स्टाइल बहुत पुराना है। एक बहुत बड़ा आर्ट मार्केट रास्ते में जाते जाते मिल गई, एकदम एंड तक इधर तक है। दो फ्लोर में आर्ट मार्केट, ये उबूद पैलेस के जस्ट अंदर में है, जस्ट अपोजिट में है। अब हम एक इंडियन क्विजिन लिखा खाना खाने के लिए बेचैन हो गए। देखते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट 98,000 और स्वैप PCR 248,000, 24 आवर्स में मिलेगा। घूमते घूमते मजा तो आता ही है, लेकिन खाली पेट में कितना देर अच्छा लगेगा। ऑल डे ब्रेकफास्ट फाइनली, ये मेरा पसंद का जगह है फाइनली। और लोकल खाना में मिला नहीं उतना, और उतना याद, इंटरेस्ट भी थोड़ा कम लग रहा था क्योंकि रोज खा रहे थे। अभी हम आ गए एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्टिक विद कल्चरल स्पेशलिटीज, वाओ वेरी ब्यूटीफुल, एक रेस्टोरेंट में। उसका इंडोर में भी एसी में बैठने का सुविधा है, और ये बाहर में ओपन एयर में बैठने का सुविधा। छिड़ी दी है तो उठा होगा लो अब तो। इसी का हमें प्रेफरेंस थी, ये एम्बियंस और कहाँ मिलेगी। लगता है कि नेचर के अंदर बैठ के खाना खा रहे हैं। तो पहले हम एक, मतलब प्यास बहुत लगी थी, टी तो एक ली, लेकिन उसके साथ एक जूस भी ले ली, लेमन जूस, लेमन मिंट जूस। और कुछ जल्दीबाजी नहीं थी, आराम से अपना, मतलब एक टूरिस्ट का जो प्योर टूरिस्ट का जैसा होता है, फुर्सत आप ही का है, कहीं पे जाने की जरूरत, जल्दबाजी नहीं है, ऐसे करके हम खाना खाए। और ये खाना बहुत पुराना, मतलब अपना पहचान वाला था, तो इसमें टेंशन की बात भी नहीं थी। ये
मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए मेरे पीछे बगीचा कितना अच्छा मेंटेन भी किया है इन्होंने, और यहाँ पे छोटे छोटे ना कुछ आर्ट वर्कशॉप्स टाइप के भी है इनका लिगेसी ट्रेडिशंस रखने के लिए। ये अंडे को देखिए आप गोल करके कैसे बनाए। और खाने के बाद हम बगीचे में थोड़ा सा घूमे, यहाँ पे जो वर्कशॉप्स जो मैं कह रहा था, यहाँ पे बालीनीज किचन कैसा होता है एक डिमोन्स्ट्रेशन दिया गया है। ऐसा अगर हमारे घर में भी होता तो कितना अच्छा लगता है। इन लोगों का जो लिखावट है दीवार में वो भी अच्छा लगा हमें। एक क्लास था इस रेस्टोरेंट में, फूड क्वालिटी डिसेंट थी। अब बाहर आके सामने ही उबूद पैलेस है, एक टोटली टूरिस्ट हॉटस्पॉट था। तो उबूद पैलेस में हम गए नहीं क्योंकि हमें लगा कि एक्चुअली यहाँ का हर बिल्डिंग, जैसे आपने रेस्टोरेंट को भी देखा जहाँ हम रह रहे हैं, सब सिमिलर टाइप की आर्टिस्टिक है, शांति है। उबूद पैलेस में सिमिलर ही होगा लेकिन लोग बहुत ज़्यादा रहेगा टूरिज्म के लिए, तो हमारा इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया था, एनर्जी थोड़ा कम हो गया था, चलने लगे। उसके बदले में हम यहाँ के अपने गली गलियों में एखाने बोल छे रस्ते में और क्या क्या मिलता है, यहाँ का लोकल पब्लिक्स के साथ कांटेक्ट, ये हमें ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। देखिए ये हाउस का एक आधुनिक टाइप का कन्वर्टेड बट रिलीजन के साथ टच किया हुआ, लॉर्ड शिवा है, भगवान शिव जी। दिस इज बटर, दिस इज गार्लिक, दिस इज स्पाइसी, दिस इज सॉल्ट। चार पांच किस्म के फ्लेवर्ड स्पाइस और सॉस लगा के ये स्वीट कॉर्न बेच रहे हैं लाइव। हम खाली लाइम और सॉल्ट लगाते हैं, इन लोगों के पास बटर गार्लिक ये सब भी, ये हमें और ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, तरीमा कशी। 20,000 उसका प्राइस था। घूमते घूमते आ गए एक बाटिक आर्ट वर्कशॉप में। दिस माय ट्रेडिशनल एक्रेलिक ऑन पेपर। दिस द प्रोसेस। ये थे आर्टिस्ट, अपना आर्ट का अलग अलग स्टाइल उन्होंने डिस्क्राइब किया। डू यू सेल दैट? या दिस आई सेल, वन इज 150, द स्मॉल इज 100। या 150,000 रुपया। डेढ़ लाख इंडोनेशियन करेंसी है ये छोटे छोटे पीसेस की वैल्यू। यहाँ पे समझते हैं आर्ट की, बता रहे थे कि इंडिया से भी बहुत लोग लेके जाते हैं। एकदम ओपन एयर वर्कशॉप है, बाटिक प्रिंटिंग का यहाँ पे पूरा क्लास होता है, और फुल बाटिक के लिए ये बहुत फेमस है। फैक्ट्री टाइप का हो गया यहाँ पे, लेकिन होममेड घर का स्टाइल में यहाँ पे बनती है। दिखा रहे हैं, ये खुद आर्टिस्ट हैं, अपने तरीके से क्या क्या बनाए, यहाँ का स्पेशलिटी जो है। बाटिक एक्चुअली एक ऐसे टाइप के आर्ट है। अब देख रहे हैं कि ट्रिप एडवाइजर को भी इसका सरहद मिला था। बाटिक का स्पेशलिटी है कि वो आर्ट एक कपड़े में प्रिंट करना पड़ता है, फिर उसको पेपर में कन्वर्ट करती है। एनीवे बाहर आके ये एक बंगाली बांग्ला अपराजित फूल का जूस बता, वाटर, एक लोकल ड्रिंक पी रहे हैं, किंतु असुविधा नहीं, फोकस अपराजित फूल की एसेंस से बना हुआ। अपराजित फूलेर निर्जास एसेंस है या वो क्रस्टेड फूल ही है पानी से मिला हुआ, ये हमें पता नहीं चला, लेकिन यह एक स्पेशलिटी है, मैं कई सारे जगह में देखा तो ट्राई कर लिया। एक क्रीमी टाइप का फीलिंग्स है, बहुत टेस्टी तो नहीं लगा लेकिन वही एक नया कुछ है ये सोच के पी लिए। 10,000 इसका प्राइस था इंडोनेशियन रुपया। और ये है मुझे जितने सारे लेंस देखा ये सबसे बेहतरीन, बहुत सारे आर्ट थिंग रेस्टोरेंट्स भी जो है यूनिक टाइप के हैं। और चारों तरफ अलग अलग वर्कशॉप्स भी था यहाँ पे, जैसे बाटिक का और एक वर्कशॉप दिखा जिनको बहुत सारे प्राइस मिले हैं। इस गली में
कितने सारे नया तरीके की चीजें हैं यहाँ पे, जैसे क्रेप के आर्ट दिखाते हैं, क्रेपरली। तो अगर इस लाइन में आप रहेंगे, यहाँ पे स्पा है, इसके बाद तो जूस का है दुकान, इस लाइन में आपको काफी हैपनिंग लेन लगेगी टूरिस्ट के हिसाब से। एनी हाउ, हमारा इस वीडियो का अंत आ गया है। इसके बाद हम जाएंगे उलुन डालू टेम्पल, जो एक लेक के अंदर है एंड बहुत ही बेहद खूबसूरत है। आज का सुबह मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत शांति से आराम से अपने तरीके से घूम पाए। आपको वीडियो कैसा लगा हमें लिख के ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करने, लाइक करने, शेयर करने मत भूलिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय।